सो वेलकम बैक। एंड आप सोच रहोगे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। मैं हूँ नानी के लकड़े वाले एरिया में। सो नानी अभी लकड़ी काट रही थी और मैंने ट्राई किया बट मुझसे नहीं कटी यार, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट इक्विपमेंट। लकड़ी काटने वाला बहुत वो था और मेरे हाथ में छाला पड़ गया यार। अब देखो मेरे को डांटने में लगी हुई है, जो काम किया नहीं है वो क्यों करते हो, ये वो। सो अब चलते हैं नानी के साथ। ये थोड़ी लकड़ियाँ हैं उठा के ले जाती हूँ। और ये आमा देख चिल्ला रही है। और यहाँ मेरी आमा अब ये देखो ओमा बस मुझे बोल रही है तूने कभी किया नहीं है काम, इससे होगा है बुढ़ी भयंकर 65-75 साल की। काम देख रहे हो ऐसे काम है, कोई ढंग के काम नहीं अपनी अभी, ऐसे काम है बुढ़ी, कोई ढंग के काम है कि नहीं है। के ढंग का काम ना थी, हाथा को छाला निकली है कब चिनकर 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 मन्याना। अच्छा वीडियो में आ रही है बाकी मुझे ये सदा रहे मुँह फाटों को ऐसा था कब जिंदगी में बन काटो देखियो को नहीं। अभी जिंदगी में नहीं देखा, अभी तो देख लिया ना। हाँ वो ये लेर तो बाल यार दिमाग खराब कर रही है तब से, यही लगी हुई है ये लोग सदा आले आज फोटो काटी तो बाल यार। हम बहुत चढ़ाई चढ़ के ऊपर पहुंच चुके हैं एंड अभी हमें घास काटना है बट लेकिन हमें घास मिल नहीं रहा है। लेट्स सी मिलता है या नहीं मिलता है। आमा चले हैं और मैंने आमा के पीछे पीछे जाना है क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है बट व्यू बहुत मस्त है यार, व्यू तो लाजवाब है, मज़ा भी आ रहा है व्यू देख के। लेकिन खैर हमें मेन काम है घास काटना, चलते हैं। गाइस मैं टॉप ऑफ द माउंटेन पहुँच चुकी हूँ एंड मेरी फटी पड़ी है इसमें मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, यहाँ पे हूँ, ऊपर चढ़ते हैं। सो हॉरेबल फॉर मी वेल गाइस, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे एंड मुझे यहाँ किसी का घर नज़र आया जो कि अभी खाली हो चुका है। आई थिंक यहाँ के लोग माइग्रेट करके कहीं और चले गए हैं एंड आगे का रास्ता देख सकते हो ऐसा है एंड उस तरफ के पहाड़ यहाँ दिख रहे हैं। वादियाँ तो अच्छी हैं बट रास्ता बहुत डेंजरस है, ओनली वन वे, दो लोग नहीं आ सकते। गाइस हमने घास वास भी काट दिया है, इतने सारे घास है, 6-7 पूले बना रखे हैं। अब इसको उठा के ले जाना है वो नीचे नदी से थोड़ा ऊपर, हालत ख़राब हो चुकी है एंड जिस वे में मैं मतलब जिस एनर्जी लेवल से मैं आप लोगों से बात करती थी वो एनर्जी लिटिल बिट डाउन हो चुकी है, यू नो काम करके हाथ भी ख़राब। वेल मज़ा बहुत है गाँव में और स्टिल मेरी नानी अभी भी वहाँ देख सकते हो कि वो काट रही है, बहुत दूर है वो वहाँ पे, वो देखो स्टिल काटी जा रही है। नानी को चाहिए कि काम मतलब 6-7 दिन हो गया तब से काम नहीं होता, नानी बोल रही कि जल्दी जल्दी मतलब मेरे को काम करना है, मतलब पहले का जो मतलब घास वास नहीं काटा था उसे कवर करना है, घास के पुले बनाने, पता नहीं क्या क्या। सो नानी काट रही है और मैं भी नानी के साथ ही हूँ काट रही हूँ बट अभी मैं बैठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है ढंग से, मैं नानी की हेल्प कर रही हूँ बस। तो मिलते हैं आपको जब हम भारी ले जाएंगे तब मिलेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो। रोड में पहुँचूँगी तब करूँगी क्योंकि ये रास्ता ना बहुत ख़राब है एंड ये तो पता नहीं मैगजीन का वो है तो इसलिए यहाँ पे घर जैसा भी है तो इसलिए यहाँ पे रोड भी बनी हुई है थोड़ी सी एंड इसके बाद वहाँ से जाना है हमें। मैं दिखा देती हूँ, रास्ता बहुत बेकार है इसलिए मेरे को ना मतलब वैसा लग रहा कि कहाँ से जाएँ, घर यहाँ से जाना है, बहुत भयंकर रास्ता है यार। और नीचे मेरे नीचे तो आपको पता ही है क्या है, मेरे यहाँ से नहीं दिख रहा, यहाँ से दिखेगा मे भी मेरे जस्ट नीचे का। हाँ हाँ तो मेरे जस्ट उस पार नदी है। वेल आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं बट वहाँ नदी आवाज़ से तो सुनाई दे रहा होगा। सो देखते हैं क्या करता है, घास वास उठाते हैं, घर को निकलता है, मैं नानी को लेके आती हूँ है ना, नानी के वहाँ से घास लेके आती हूँ, देन मिलते हैं।
गाइस, जैसे मैंने कहा था कि मैं घास की पुली लेके जाऊंगी तब बनाऊंगी वीडियो, पर मैं बना नहीं पा रही हूँ, मेरी हालत हो रही है डाउन, इसलिए मैं घर पहुँचती हूँ। घर पहुँचो या गाइस, सो मैं अभी भट्टी चूटने वाली हूँ, तो आपको मैं यहाँ से अपनी चुटाई दी। एंड मेरी हालत ख़राब हो चुकी है कि चुटाई करते करते, एंड वेल आई थिंक इट्स ओवर नाउ, इट्स ओवर टोटली, मेरी हालत ख़राब है।